हेलो दोस्तों, मैं विनोद केमानी एंड वेलकम टू माय चैनल 22 यार्ड्स विद वीके। इस वक्त मुझे पौने साथ और मैं आया हूं आपको एससीजी टेस्ट का अपडेट देने। इंडिया इज 62-1 राइट नाउ। इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एज विराट कोहली वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट। इट्स अ ह्यूज साइग ऑफ रिलीफ कि इंडिया चौथी इनिंग में बैटिंग नहीं करी है एससीजी पर, क्योंकि पिछले पांच टेस्ट बिफोर द फर्स्ट टेस्ट ये रिकॉर्ड है। ये पिछले पांच टेस्ट मैचेस में जो हमने चेस किया है उसके रिजल्ट से वी नॉट वन अ सिंगल वन। एंड ये फर्स्ट टेस्ट के पहले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टेस्ट पे तो हम जानते हैं क्या हुआ था। तो ऑफ लेट हम लोग चेस नहीं कर रहे हैं अच्छा, सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमने टॉस जीता है। ऑस्ट्रेलिया विल बी बैटिंग इन द फोर्थ इनिंग एंड यू नो दैट्स अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, दैट्स व्हाट आई फील। और इंडिया इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 62-1 इंडिया का स्कोर है। एंड इसके पहले हम बात करें प्लेइंग 11 जो था उसमें दो मेजर चेंजेस हैं। एक तो रोहित शर्मा एज ही पुल्ड आउट ऑफ द फाइनल टेस्ट, उनको ही इज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल सो ही इज कम बैक टू इंडिया। अब उनकी जगह आए केएल राहुल, ही इज बैक टू द टॉप ऑफ द ऑर्डर। हनुमा बिहारी फिर मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं। और बात करें ईशांत शर्मा रूल आउट हो गए थे, एक निगल था उनको, तो ईशांत शर्मा वॉज नॉट फिट फॉर दिस मैच। बहुत सारी स्पेकुलेशन थी कि रविचंद्रन अश्विन आ सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द फिटनेस टेस्ट। सो कुलदीप यादव आए हैं प्लेइंग 11 में। अब ये इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि एससीजी इज नोन टू हेल्प द स्पिनर्स तीसरे चौथे पांचवें दिन, बट कुलदीप यादव का जो स्टाइल ऑफ बोलिंग है ही बोल्स अ लिटिल स्लो, और एससीजी का विकेट जो है वो रेस्ट पे और थोड़ा पेस पे आपको एडवांटेज देता है। रविंद्र जडेजा की पिच बहुत अच्छी है, इट्स अ टेलर मेड विकेट फॉर हिम। रविंद्र जडेजा का बॉल पढ़ के निकलेगा, जितना वो एफर्ट डालते हैं, जितना वो निप लगाते हैं बॉल में, रेप्स डालते हैं, उनका बॉल पढ़ के निकलेगा, ही डेफिनेटली विल बी अ हैंडफुल ऑन दिस विकेट। बट कुलदीप यादव की बात कीजिए, कुलदीप यादव वो रिलाय करते हैं थोड़ा सा पिच से भी उनको निप मिले, पिच से भी उनको हेल्प मिले, वो थोड़ा सा स्लो बॉल करते हैं, रेप्स डेफिनेटली वो डालते हैं, लेकिन ही विल रिलाय कि पिच से कितना असिस्टेंस मिलता है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कुलदीप यादव का क्या रोल होता है इस मैच में। But I am sure India has gone in with two spinners and two seamers. This was the best combination possible. क्योंकि SCG है historically, we know कि SCG जो है वो turn करता है, SCG जो है वो spinners को assistance देता है. On the first two days, seamers को assistance मिलता है, लेकिन उसके बाद predominantly वो जो wicket है थोड़ा सा slow हो जाता है and it will assist spinners. Shane Warne has had great success on this ground. Stuart McGill, you know, मुझे एक test match याद है. Stuart McGill ran through the side, मतलब 6-7 विकेट लिए थे उन्होंने इसी विकेट पर। So historically this is known to assist spinners, रविंद्र जडेजा, I'm banking on the fact कि रविंद्र जडेजा will come in very handy on this wicket। ये बहुत ये दोनों एक दूसरे को assist करते हैं, ये विकेट और रविंद्र जडेजा का bowling style है वो बहुत important रहेगा इस गेम में। And obviously कुलदीप यादव is a very accurate bowler, he you know रेप्स डालते हैं वो भी बॉल में, उनके पास वेरिएशंस हैं, बट अगेन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो विकेट को कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉलिंग इस विकेट पर कितनी इफेक्टिव दिखती है, राइट? सो आई विल बी कमिंग विद मोर अपडेट्स टुडे इटसेल्फ। मैं टी के पहले भी एक अपडेट दूंगा, टी के बाद एक अपडेट दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज द अपडेट। इंडिया लुक्स सॉलिड एट 62-1 फॉर नाउ and it's advantage India for sure कि यार इंडिया पहले बैटिंग कर रहे हैं, चौथी बैटिंग करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को जब हमारे पास दो स्पिनर्स होंगे और रविंद्र जडेजा will be spitting venom on the wicket, so it's advantage India for sure. So that's it from my side, this is the update. I hope you like the video, if you did don't forget to give it a thumbs up and I keep you posted on Indian team, we follow team India around the world. So अगर आप ऐसे videos और देखना चाहते हैं तो please subscribe to my channel. And I'll come back with one more update pretty soon before tea. So that's it guys. This is it for the video. I hope you liked the video. If it did, don't forget to give it a thumbs up. Hope to see you on the other end. In the meanwhile, this is VK signing off guys. Bye-bye. Take care.